अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन विंग्स। ये तो चिकन विंग्स को क्या करती हूँ, मैंने इसको पहले वॉश करके इसको अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इसको मैंने लेमन लगा के ना इसको 2 मिनट के लिए रख दिया था। वॉश करके लेमन लगा के फिर मैंने इसको दोबारा से रिंस किया है। रिंस करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस चिकन को बॉईल करने रख दिया। बॉईल करने के लिए मैंने इसमें डाल दी चिकन क्यूब्स, जो होती है ना चिकन क्यूब्स, वो मैंने इसके अंदर एक डाल दी एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ क्या डाल रही हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये किया है, मैंने यहाँ पे टिक्का मसाले का 1 टीस्पून टिक्का मसाला डाला है, थोड़ी सी धनिया डाली है, थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग डाला है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून भी डाला है, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है, योगर्ट डाला है 1 टेबल स्पून के दरमियान, सॉल्ट हसबे ज़रूरत, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून, एंड इसमें मैंने ऑयल डाला है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स होकर फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको सारे मसाले लगा दिए हैं। अभी मैंने मैंने चिकन टिक्का मसाला शान का लिया था, ये वाला शान का टिक्का मसाला लिया था, उसमें से मैंने ये डाल दिया थोड़ा सा, 1 टीस्पून के दरमियान आसपास डाला है, और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स होने के बाद मैं इसको रखूँगी 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए, एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई एम गोना स्टार्ट फ्राई अप, बिकॉज़ मेरी डॉटर को फ्राई पसंद है तो मैं इसको फ्राई करके दूँगी। ये देखिए मेरे चटपटे विंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं, सो यमी, सो नाइस, लुक सो नाइस, सो टेस्टी इज़ वेल, एंड आई ट्राई ऑलरेडी बिफोर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू एवरी वे एंड सब्सक्राइब मी प्लीज़। इफ़ यू सब्सक्राइब मी फर्स्ट यू गेट माई वीडियो इन टू वॉच फर्स्ट इज़ वेल, एंड इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ शेयर माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू विद माई न्यू रेसिपी नेक्स्ट टाइम।